नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 12 वोल्ट ऑटो काट बैटरी चार्जर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक TIP-41C ट्रांजिस्टर और एक 100K प्रीसेट। उसके बाद इस प्रीसेट का मिडिल पिन हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और प्रीसेट के इस पिन को हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक IRF J44N मॉस्फेट और एक 4.7K रजिस्टर। उसके बाद इस मॉस्फेट का सोर्स पिन हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ और इस मॉस्फेट का गेट पिन हम इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 4.7K रजिस्टर को हम प्रीसेट के इस पिन के साथ और इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक एलईडी बल्ब, एक 1K रजिस्टर और एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस एलईडी का नेगेटिव पिन हम इस मॉस्फेट के ड्रेन पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 1K रजिस्टर को हम इस पिन के साथ और इस एलईडी के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस डायोड का कैथोड पिन हम इस मॉस्फेट के ड्रेन पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक 12 वोल्ट ऑटो काट बैटरी चार्जर सर्किट अपने घर पे ही बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।